श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हाजरा हजूरी विच जितनिया भी गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख संगत हाजरिया भर रही हो आप अति वडभागी हो जो मेरे गुरु नानक ने आप नूं अपने कोल बैठण दा सुभाग समा बख्शिश किया है। ओदी कृपा ओदी दृष्टि ओदी मेहर तो बिना आप जी उसके दर्शनों नूं नहीं आ सकते। किसी रिश्तेदार कोल जाकर बैठ जावो किसी दोस्त मित्र कोल जाकर बैठ जावो जां किते मोड़ ते बह के जिहड़ा कोई लंघदा है उस दियां चुगलियां करो ते वड्डे कर्म नहीं बनदे। वड्डे भाग उदो बनदे ने जदों मुख गुरु वल होवे। महापुरखां दा बाबा जगमोहन सिंह जी दा बड़ा वड्डा उपराला है जो एडा वड्डा महान कुंभ रचिया है। बाबा जी दस रहे सन कि कल नूं 76 खंड पाठां साहिबां दे भोग पैणे हन और बरशी दे दिनां तों पाठ चल रहे हन। टोटल 100 पाठ हो जाना है। देखो किड्डा वड्डा उपराला है। इह किहदे लई हो रहा है? इह अपने लई हो रहा है, तुहाडे कर्मां दे लई हो रहा है। इह जिहड़ा जग है संसार है भाई एक कोले दी खाण दे न्याई है। कबीर साहब कहिंदे ने एक कोले दी खाण दे न्याई है जग। और जिहड़ा इह संसार है ना, जिहड़े इह संसार दे जीव हन, इह अंधे हन। और कबीर साहब कहिंदे मैं बलिहारे जावां उन्हां तों जिहड़े इह कोले दी न्याई संसार दे विच रहण दे बावजूद भी ना हत्थां नूं ना पैरां नूं ना मुख नूं कालख नहीं लगण दिंदे। इह महापुरख बाबा अवतार सिंह जी दी कमाई है, बंदगी है जिन्हां ने संगतां दे नाल इन्ना प्रेम कीता। केरा इक वेशवा ने किसी साधु नूं पुछया कि बाबा तेरी दाढ़ी चिट्टी कि मेरे कुत्ते दी पूछ चिट्टी, तो उह साधु चुप करके भाई लंघ गया। तो जद उस साधु का अंत समा आया तो सेवादारा ने पुछया कि महापुरखो कोई हुक्म कोई वचन, तो महापुरख कहण लगे कि उस वेशवा नूं बुला के लिया। तो सारे हैरान हो गए कि अंत समय महापुरखा ने की सिमर लिया। चलो वचन मन्या, वेशवा नूं बुलाया गया तो महापुरखा ने वचन किया कि भाई तू सानू सवाल पुछया सी कि थोड़ी दाढ़ी चिट्टी के मेरे कुत्ते दी पूछ चिट्टी, ते अज तैनू दसदे आं कि तेरे कुत्ते दी पूछ नालों साडी दाढ़ी चिट्टी। वो कहिंदी बाबा जी उदन ही कह दिंदे मैं तां मजाक कीता सी। कहिंदे नहीं भाई, जिहड़ा ये मार्ग है ना संत दा, ये बड़ा कठिन मार्ग है। ये सूई दे नक्के विच दी लंघना पैंदा है तां जाके उस अकाल पुरख नूं पाउंदे आ। जिवें इस्त्रियां शिंगार करदियां ने ना, ते तां जाके पति नूं पाउंदी है। उवें इह साधु नूं सारी उमर लग जांदी है, अंतले स्वास तक समा लग जांदा है उस अकाल पुरख नूं अपना आप समर्पित करन। ते कहिंदे जे सानूं सेवा चलदी दौरान कोई सातों कुताही हो जाती गलती हो जाती तो साड़ी दाढ़ी नालों भाई तेरे कुत्ते की पूछ चिट्टी होनी सी। पर अज असी माण ना कह रहे हैं कि तेरे कुत्ते की पूछ नालों साड़ी दाढ़ी चिट्टी है। ये महापुरखों की कमाई है भाई। बाबा अवतार सिंह जी की बंदगी है जो जेडे इन्ने पाठ चलते ने, संगतां नूं बख्शिशां होईयां वीआं ने। इतों
इस घर तो दातां मिलियां होईयां ने ते उस संगतां शुकराने कर दियां ने अकाल पुरख। कबीर साहब बाणी च मोहर लाउंदे ने, कबीर जग काजल की कोठड़ी। ये जिहड़ा जग है ये कजल की कोठड़ी है, ते इहदे विचों हुण हो सकदा संसार दे विच कोई अहजा हाथ ना होवे, अहजा पैर ना होवे जिहड़ा काला ना होया होवे, भाव के जिन्हें कदे पाप ना कीता होवे, अहजा कोई हाथ ना होवे जिन्हें हाथ ने कोई पाप ना कीता होवे, अहजा कोई पैर ना होवे जिहड़ा कदे पाप दे राह ते ना तुरिया होवे। पर जदों ये साधुआं दी संगत दे विच आवांगे ना, बाबा आनंद सिंह महाराज वचन करते होंगे सन, बाबा जी कहें जिहड़ी परचून की दुकान होंगी है ना, जिथे दसा दसा बीहां बीहां दो दो रुपये वाला सौदा मिलता, उत्थे भीड़ बहुत होंगी है। जिहड़ी लाला की दुकान होंगी आ जां सुनियारे की दुकान होंगी आ, जिथे सोना मिलना है हीरे जवाहरात मिलने, उत्थे भीड़ घट होंगी है। क्यों? जिहदी जेब च जिन्ने पैसे उन्हें ओहो जी दुकान ते जाना। ते गुरु नानक दे दरबार दे विच आउण लई भाई बंदगी बहुत चाहीदी है, जिहदी वध बंदगी होवेगी उन्हों ही गुरु नानक दे दर्शन नसीब होणगे, कोई ऐरा गैरा गुरु नानक दे दर्शन नहीं कर सकता। ये तां तरला मारना पैंदा, ते ये साधु समागम तां करदे ने, महापुरख समागम तां करदे ने कि तुसीं ये जिहड़ी कज्जल की कोठरी है, जिहड़ी ये कोले की खाण है, ये मैले होण तो बच जाओ। तो फिर पातशाह मोहर लाउंदे ने, बचिया किवें जाएगा? अगर तुसीं आपदा आप गुरु नूं समर्पित करोगे। मैला होना बहुत सौखा है, तुसी घरों सवेरे तैयार होकर निकलो, बाजार चक गेड़ा दे के आ जाओ, कपड़े मैले हो जाएंगे, पर सुचे रहना, साफ रहना, शुद्ध रहना बहुत औखा है। जिवें जपजी साहब दे विच मोहर लाउंदे ने, पातशाह कहिंदे ने मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईऐ ओ धोए, भरीऐ मत पापा कै संग ओ धोपै नावें कै। कहिंदे जे कोई कपड़े पेशाब ना गंद ना लिबड़ जाण ना, वो साबण दे नाल धोते जांदे ने, पर जे ये मत ये बुद्धि लिबड़ जावे भाई, तो ये तां वो गुरु नानक दे नाम तो बिना धोती नहीं जाणे। विद्वान दस तरह के पाप मनते ने संसार दे विच, दस तरह के पाप। जिहड़ा इंसान जिंदगी दे विच इन्नी वार दोहरा दिंदा है कि उही लखां ते अनंत बन जाते हैं, वो दस पाप किहड़े हन? चार पाप करती है तुहाडी जीभा, ये जीव, ते तीन पाप करदे ने तुहाडे मन, ते तीन ही पाप करदा है तुहाडा तन। दस पाप ने टोटल जिहड़े इस संसार दे विच जीव बार बार दोहराउंदा है, और कई बार वो पाप तुहाडे अगले जन्म दे विच भी नाल ही चले जांदे हैं। चार पाप जिहड़ी जीभा करदी है, उहदे चो पहला पाप है झूठ बोलना, दूसरा पाप है भाई फिक्का बोलना, तीसरा पाप है किसी का दिल दिखाने वाली गल भाव की कौड़ा बोलना, और चौथा पाप है उई आवा गौ आवा तवा बोली जाना। ये चार पाप विद्वान दसते ने जिहड़ी तुहाडी जीभा करती है, और तीन पाप जिहड़ा मन करता है। एक बार सर्वे होया, सर्वे दे विच देश की आबादी के अनुसार सर्वे किया गया कि क्राइम किन्ना है, भी जेलां च किन्ने क बंदे हन, किन्ने क केस दर्ज हन कोर्ट कचहरियां च। कहिंदे कुछ भी नहीं,
सौ दे विचों 2% ही ओ सर्वे है जेड़ा जग जाहर है और जेड़े तीन पाप ये मन करता है ना वो पहला पाप तो ये है कि आपां मन दे विच किन्नी वार सोचते हाँ भी किसी की जमीन जायदाद हथिया ली जाए। दूसरा पाप करता है किसी की इज्जत ते हक रखनी पाई जिहड़ा तुहाडा मन दूजा पाप करता है और तीजा पाप करता है किसी दे राज दी उत्ते अख रख देना। पहला पाप किसी दे शरीर नूं किसी दे तन नूं नुकसान पहुँचाउणा। साढ़े कोल केरा एक दिन एक सिंह आया कहिंदा जी मैं जिन्ना चिर नितनेम करी जाना मेरे मन च आई आई जाऊगी उन्हूं भी मारदा उन्हूं भी मारदा उन्हूं भी मारदा। देखो ये मन दा पाप है। दूसरा पाप जेड़ा किसी की इज्जत उत्ते अख रखनी और तीसरा पाप किसी की माया ते धन ते अख रखना। ये तीन पाप मन करता है। ये संसार दे विच जग जार नहीं हुंदे इहदा लेखा गुरु नानक पास है और जेड़े तीन पाप तन करता है यही पाप पर ओ क्यों नहीं करता क्यों उसनू कानून का डर है। अगर कानून ना होवे तां बंदे दा जिहदा दिल करे उहनू मार देवे जिहदे दा दिल करे उहदी इज्जत नू हथ पावे जिहदा दिल करे बंदा उहदी जमीन जायदाद नू हथ पावे। ये 10 पाप मनुख अपने जीवन दे विच करदा है। हुण आपां आए क्यों आ इत्थे ये महापुरख उपराला क्यों कर रहे ने इन्ने सालों तो ये चल रहे ने समागम किहदे लई अपने लई भाई ने महापुरखां नू की लोड़ है इन्ना खर्चा करन दी लड़ियां लाउण दी कैमरे लाउण दी क्यों। महापुरख तुहाडा भला सोचदे ने कि किसे ना किसे तरीके नाल जिहड़े ये 10 पाप बंदा आपदी जिंदगी च करदा है इन्हां तों मोड़ पै जावे। अगर इन्हां तों मोड़ पवेगा ताही तुहाडा भाई जो अग्गा है वह सवरेगा। बाबा जी कोल बैठे सन अंदर जद जल पानी छक रहे सन तो बाबा जी ने एक बचन सुनाया। बाबा जी कहिंदे हुण कई आउंदे ने दवाई लैण ते असीं कहिंदे आ भाई नितनेम करिया करो ते अगों कई सवाल करदे ने कि नितनेम क्यों करिए ते फल कदों मिलूगा ते इसका फायदा की है। हुण ये तो भाई एक गूंगे नूं मठियाई खाण वाली गल है ज्यों गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। हुण अगर तुसी किसे गूंगे नूं मठियाई खवा के पुछो स्वाद कहे जिहा हुण बोल के तो दस नहीं सकता। ये तो प्रैक्टिकल करना पैना ये तो माला फड़ के बैठना पैना। और रही गल भी अकाल पुरख की प्राप्ति कदों होगी आनंद की प्राप्ति कदों होगी तो कहिंदे कोई बजुर्ग बैठा सी सत्थ दे विच कोई राहगीर उहदे कोल आया उहने पुछिया बाबा मैं फलाने पिंड जाना किन्ना किधर आ। वो बोलिया नहीं। उहने पुछिया बाबा वाट किन्नी का। वो बोलिया नहीं। उहने पुछिया बाबा मैनू चिर किन्ना लगू। वो बोलिया नहीं। उन्हें कहा भी जान तो यह हंकारिया वह जो बोलता नहीं तो दो ही बंदे नहीं बोलते ज हंकारिया वह पुरश तो जा जरा बेचारा गूंगा हो तो जो थोड़ी कबाट तुरया तो बाबे ने पिछों आवाज देती कहिंदा भी तैनू एक घड़ी लगू उत्थे जाण। वो कहिंदा बाबा पहला नहीं दस्या। वो कहिंदा मैं तेरी चाल देख के हुण दस्या भी जिस हिसाब नाल तू तुर रहा तैनू एक घड़ी लग जानी है जाण नूं ते तू खड़ा सी मैं तैनू की दसदा तैनू किन्ना चिर लग जाना जाण। भाई जे बैठांगे जपांगे फिर ही पता लगेगा ना भी अकाल पुरख का राह किहड़ा। इसलिए जरूर जपया करो बंदगी करिया करो। ये जिहड़ा मन है ना ये बांदर है ये बहुत टपूसियां मारदा है। बाबा ईश्वर सिंह महाराज नानकसर वालियां नूं केरां किसे ने पुछिया कहिंदे बाबा जी मन लगदा नहीं बाणी दे विच मन जुड़दा नहीं फल मिलेगा।
ते बाबा जी का वचन सी, बाबा जी कहते भाई अग का सुभाव है साड़ना, चाहे हाथ अचनचेत पै जाए, चाहे कोई जान के पा लवे, उन्हें सेक लाई दे। सिख का कर्म है नितनेम करना, फल गुरु नानक ने देना ही देना है, मन लगे चाहे ना लगे। अगर तरला मारांगे ताही वो तरस करेगा ना। बंदा करे सो बंदगी, बंदा सो प्रवान, बंदा प्रवान ही है वो जड़ा बंदगी करता है। नितनेम करिया करो भाई, महापुरख उपराला कर रहे ने, नाल सारे साथ दया करो, आया करो, हाजरी भरिया करो, होरां नूं भी जोड़िया करो। क्यों? बाबा जी का वचन है, बाबा जी कहिंदे जोड़न वर्गा पुन नहीं ते तोड़न वर्गा पाप। होरां नूं भी जोड़िया करो, बुला के लियाया करो, पुन्नां दे विचों पुन मिलदे ने। जिवें हुंदा ना उस स्कीम जी भी जिन्ने थले बंदे जोड़ांगे उहदे इनसेंटिव मिलदे आ, कि जिन्नी संगत गुरु नानक दे घर दे विच लियावोंगे, जिन्नी होका दवोंगे भाई, थोड़े भी पुन बणनगे। और जदों फिर मोटर चों टैंकी ते पानी चाढ़ना होवे ना, जोर लगदा, ते जदों टैंकी खाली करनी होवे माड़ी जी टूटी छड्डो खाली। ये जिहड़ा मन है इहनूं जद ये एडा मैल ना भर गया है ना, ये जोर तो लगेगा जब उस परम पूर्ण परमात्मा की सुरती वल जोड़नी है, ये जोर लगेगा। अकाल पुरख के नाल राबता कायम करन ते जोर लगेगा भाई। निमाण नूं तां जदों मर्जी लै जाओ, माड़े कर्मां नूं तां जद मर्जी मन नूं मोड़ दो। औखा तां उस खसम के नाल प्रीति पाउणी है। उठिया करो, अमृत वेला सांभिया करो। बाबा जी का वचन है, चौबीआं घंटिआं चों ढाई घंटे दसवंध जरूर करिया करो, नितनेम दा अपने जीवन के चौबीआं घंटिआं चों। जिवें आपां माया का दसवंध कढ़दे हां ना, सौ चों दस रुपए गुरु नूं दिंदे आ, उवें भाई ये जिहड़ा शरीर है ये अकाल पुरख का शुकराना करिया करो। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, अमृत वेले उठ के उस सच्चे अकाल पुरख के नाम की वड्याई करिया करो। क्यों? उन्हें बहुत सोहना दिता खाण नूं, पीण नूं, रहण नूं। तुसीं आपदा आला दुआला देखो, जिहड़े आह गलियां चों कख चकदे फिरदे ने, इह वी मनुष्य हन, बंदे ही ने, ते आपां वी बंदे ही। जिहड़े सीवरेज गटर साफ करदे ने उह वी बंदे ने, जिहड़े झुग्गियां झोंपड़ियां च सौंदे ने उह वी बंदे ने। ते अपना फर्क की आ, अपने ते गुरु नानक दी किरपा हो। और अगर ये किरपा दोबारा करवाउणी आ ते उहदा नाम जपना पैणा, उहदी वड्याई करनी पैणी आ, अमृत वेला सांभणा पैणा। किंतु परंतु नहीं करीदा, हो सकदा दूजी वार इह समां मिले ही ना। देखो किन्ने लोक आउंदे ने जिहड़े आके लंगर खा के मुड़ जांदे ने, किन्ने लोग आउंदे ने जिहड़े बस देख के मुड़ जांदे ने भी बड़ा सोहणा बणिया होया है। कोई करमां वाला भागां वाले तुसीं हो जो गुरु नानक दे सन्मुख बैठे हो, ते अरदास करो भी गुरु नानक बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये लेखे च लग जाना चाहिए। करवाना की है शरीर तो भाई, ये जिहड़ा ये संसार ये देख रहे हैं, ये है तो तोशी है ना। बाबा जी वचन करया करते सन, बाबा जी कहिंदे असल खेड तो मरन तो बाद शुरू हुंदी आ। ये जिहड़ा जीवन है ना, इहदी लीला तो जदों मर्जी समाप्त कर लो, ते जिहड़ी रूह है, जिहड़ी अंदर तुहाडे अंदर जिहड़ी चिंता है, जिहड़ी वो अंदर रूह तुहाडे तड़फ रही है, उहनू आसरा तां उहनू थम तां गुरु नानक ने देना है। इसलिए जुड़ो स्थान दे नाल, आया करो, हाजरी भरिया करो। कलू पाठां दे भोग पैणे हन, ते बाबा जी दा धन्नवाद जिन्हां ने संगतां दे दर्शन करन दा हुक्म दिता। आए हाँ, हाजरी भरी आ, जत्था आया पिछले दो दिनों तो, जत्था आप जी संगतां दे दर्शन कर रहा है। और फायदा तां ही है भी जे कुछ पल्ले बन के लैके जाइए, समा अजाई ना जावे। कहिंदे किनका इक जिस जीव सावै ताकी महिमा बनी ना, एक किनका भी वस गया ना अंदर किसी दे, बस फिर उहदी खेड़ निराली है। चौबीआं घंटिआं दा कोई बंदा भुखा होवे ना, ते उह दस मिनट रसोई च बह के चार प्रशादे छक लवे, उह रज जांदा।
24 घंटिया के भुखे बंदे रजन लिए 24 घंटे नहीं चाहिए। दसा साल किसी कमरे च नेरा हो अंदर चानण करना हो 10 साल नहीं चाहिए भाई, वो एक छिन लगता है। तुम लाइट जगा दो, मोमबत्ती जगा दो। अगर ये उवें ही मन है, ये नाम बाणी तो भुखा है। अज दे संसार की कार यह जी हो गई, विशा तो सी होर सी साडा, पर जो बाबा जी ने उसे अंदर बैठ के दसिया ना भी जेड़ा आउंदा वो आई कहिंदा भी की फायदा जी नाम जपण दा। अज दे संसार की कार यह हो गई, ये लोगों का जोर लग्या होया भी पानी बचाओ, पानी बिना जीवन है नहीं। फिर ये दसो बाणी बिना है? कहिंदे जी हवा बिना तुसी बच नहीं सकते, धर्म बिना कोई बच सकता? धर्म भी जरूरी है भाई। हो सकता पानी ना मिले, हवा ना मिले, ये तन नू तकलीफ होवे, पर अगर तुसी बाणी तो दूर हो गए ना, बाणी तुहानू ना मिली तो यह रूह नू तकलीफ होवेगी, गुरु नानक तो विछोड़ा पै जाएगा। मूले खत्री का प्यास ही विछोड़ा गुरु नानक तो। निके निके हुंदिया नू आपां नू सारे नू अपने बजुर्ग साखी सुनाउंदे सन कि बाबे नानक ने आवाज मारी मूलिया ते उहदी घरवाली कहिंदी जी उह तां घरे ही नहीं, ते देखो सप लड़िया विछोड़ा पिया ते कद जाके आधार होया 10वें जामे च। सति श्री अकाल। ते तुहाडे अंदरे होना चाहीदा है डर भी किते गुरु नानक दे चरणा तो दूर ना हो जाए, ये तो घुट के गंढ दे लेनी चाहिए, वो चरणा के नाल प्रीति पै जानी चाहिए। तो यह सवाल ना करया करो किंतु परंतु ना करया करो, ये तो जपना पैना भाई। ये कई कहिंदे ने आ जग मिठा अगला किने डिठा, नहीं नहीं सारा कुछ ही आ बाणी कहिंदी आ। कदों जपेगा? जदों चार पैर होए, दो सिंघ होए, मुख बंद होया, पशु होया, उदों हरेक इंसान नूं आपदी जिंदगी दे विच इक तां दसां पातशाहियां दा जीवन जरूर पढ़ना चाहीदा है। पढ़ो भाई गुरु नानक दी बाले वाली साखी, जदों पढ़ोगे ना पता लगेगा मेरे बापू ने कित्थे जा जा के तारिया। थोनू पता लगेगा धर्म दे विच सरवाइव किवें करना है। जो तुम दसा पातशाहियां का जीवन पढ़ोगे, इतने थोड़ा जा बुखार चढ़ जाए कहते पाठ नहीं किया, रोटी भी खा ली, टेलीविजन भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया, पाठ नहीं किया क्यों? बुखार चढ़ गया। किसी के अजक लाइलर्स चो बैंड नहीं आए, कोई 12वीं चो पास नहीं होया, सब तो पहला गुटका साहब चला के मारन के वेले अज तो बाद नहीं गुरुद्वारे जाना, क्यों बई? जिस ठाकर से ना ही चारा ताको कीजै साधु नमस्कार, कोई चारा नहीं उहदे मूहरे। जिन्ने मर्जी तुसी जो मर्जी करी जाओ, सूरज ने सूरज रहना पाई, जिहदे मूहरे चारा ही नहीं उहदे मूहरे बाबा जी कहिंदे साधु नमस्कार मत्था टेके ही चंगा। ते तुसी नहीं कहोगे सी तेनू मत्था टेकदे ते उह घट जाणा, कोई प्यो नू कहे मैं नहीं तेनू प्यो मनदा तो उहदे कहण ते उहदा प्यो ना होगा कितें, तो कागजां च दर्ज हो गया जन्म सर्टिफिकेट। इसलिए सांझ पाओ गुरु दे नाल, जे दातां लैणियां आपां कल्लियां दातां तां ही सीमित रह गए, दाते नूं विसारता। दाता जरूरी है, दातां तां अगे पिछे पिछे फिरनगियां, सूरज वल मुख करके तुर गए परछावां पिछे पिछे आउंदा, अगर सूरज वल पिठ करिए भाई परछावें नूं तुसीं कैच ही नहीं कर सकते। तो उवें गुरु नानक की है, सूरज जब उहदे वल मुख हो गया तो कार्ज सारे आपे ही हो जाने, तो गुरु नाल प्रीति पाई है। एक तो हर एक जीव नूं अपने जीवन में दसां पातशाहियां का जीवन जरूर पढ़ना चाहिए है, क्यों? तुहानूं पता लगेगा धर्म के विच किवें रहना है। तौल धर्म दया का पूत, जिस इंसान अंदर दया नहीं वो इंसान कदे धर्मी नहीं कहला सकता। दया दया किवें आउंदी है? जब गुरबाणी पढ़ांगे, पातशाह का जीवन पढ़ांगे, और दूसरा किस न किसी महापुरखां की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए है हर एक सिख नूं जीवन जीवन दे विच। तुहानूं पता लगेगा कि महापुरखां तो बख्शिश किवें लैनी है। सुनाई ना हुण रागी सिंह ने कथा भाई आदम की, अपने झोली दे विचों पुत्र दिता पातशाह ने,
अगर जांच सी मंगण दी तरला मारिया ताही मिलिया ना। कहिंदे जी किरपा करो, किरपा किरपा आए नहीं हुंदी। तुसी भाई कन्हैये दा जीवन पढ़ो, नौवें पातशाह तो लैकर दसवें पातशाह तक सेवा कीती। फिर जद आनंदपुर का युद्ध होया उदों जाके भाई कन्हैये ते किरपा हो गई, पातशाह ने कोल बुला के बख्शिश कीती उहदे ते। अगर तुसी जीवन पढ़ो भाई मंझ दा, चौरासियां पिंडां दा चौधरी सी भाई मंझ। चार साल मेरे पातशाह दे लंगर दे विच बालन ढोया, संगतां दी जूठ मीठ खा के गुजारा कीता। ते फिर जाके पातशाह ने गल ना लाया ते मुतावरा दिता मंझ प्यारा गुरु को। देखो फिर छाती ना लाया, ये एडी कोई सौखी है किरपा? इतने मार के अद्धा घंटा झाड़ू, फिर कहने जी बनया नहीं कुछ। नहीं भाई, ये तो घुट के गंढ देनी पैनी है, ये तो प्रीति पाउनी पैनी है पातशाह दे नाल। फिर गल बढ़नी है, वो कदों बौड़दा? बाबा जी कहिंदे उदों बौड़दा जदों सारे जे एक, ते अद्धा घंटी दे अंदर होवे ते अद्धा घंटी दे बाहर, वो तो फिर उदों आउंदा। ये थोड़ो भी तुसी आए ते मत्था टेकिया ते कहता भी आ जा भाई सानू तो दर्शन नहीं होए जां साडा आ कारज नहीं होया। नहीं भाई, प्रीति पाओ पातशाह दे नाल, उन्हें तुहानू जीवन दिता है। देखो आपां किन्ना सोहना खाने आ, किन्ना सोहना पहनदे आ, किन्नी सोहनी जगह ते रहिंदे आ, ते जे उहदा शुकराना ना करांगे तां अगला जन्म पता नहीं किन्नी कु दूर फर्क पै जावे पातशाह दे नाल। अमृत वेला सांभिया करो, अमृत वेले उठिया करो, ढाई घंटे रोजाना नितनेम करिया करो, फिर की मिलेगा? लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बंधन कट दो गुरु जी मेरे, बंदी छोड़ तेरा नाम है। बंधन कट दो गुरु छोड़ तेरा नाम है। बंधन काट दे गुरु
धन्यवाद जीओ आया नू जिन्हां ने तीनों रात दीवाना दे विच पहुँच के हाजरियां भरिया ने साउंड वाले वीर का बहुत बहुत धन्यवाद तीनों दिन बड़ी सोहनी जो साउंड की सेवा निभाई है एन वी आई नानक सर चैनल वाले इन्हां वीरां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो देशां प्रदेशां दे विच जो गुरमत दीआं विचारां ने गुरु की बाणी गुरु का कीर्तन वो संगत सुन सकदी है। अज दे दीवान का जो लाइव टैलीकास्ट हो रहा है एन वी आई नानक सर चैनल पर संगत घर भी आनंद माण सकते हैं बाद भी आप दीवान को सुन सकते हैं यूट्यूब के उपर एक दीवान पिया होगा। सो कल समागम की समाप्ति हो जानी है समय सिर सारिया संगत ने भाई पहुँच के सेवा करनी है। सो महापुरखों वालों तो वचन से कि कल जरूर हाजिरी भरनी है क्योंकि पिछले दो तीन साल तो भोगों के उपर भी हाजरियां भरते हैं पर मजबूरी ऐसी है कि महापुरखों ने भी गांह गुरमत समागम ने फरीदकोट विखे उत्थे भी महापुरखों ने हाजरी भरनी है। परसों नानक सर ठाठ बड़ैज विखे उत्थे अपने जो गऊशाला पिंड ढोलन का जो अपना जत्था है सो दीवान है नानक सर बड़ैच विखे परसों रात को लाइव टैलीकास्ट चलेगा। सारिया संगतों को बेनती है जरूर भाई वध चढ़ के कल समय सिर पहुँचो तो चैनल के उपर लाइव टैलीकास्ट चलेगा परसों भी आनंद माण सकते हो घर बैठे भी। आने वाले अगले महीने के गुरु नानक पातशाह का गुरपुरब आ रहा है प्रकाश दिहाड़ा बड़ी धूमधाम के नाल ढोलन विखे अपने गऊशाला विच मनाया जाता है वध चढ़ के सारिया संगत ने उत्थे भी जरूर हाजिरी भरनी। 13 नवंबर दिन ऐतवार गुरपुरब 8 तरीक का है पर 13 नवंबर दिन ऐतवार रखा गया। सो सारिया संगत को बेनती है कि गुरपुरब से जरूर सारिया संगत ने हाजरियां भरनिया ने उत्थे भी आए हुए संतां महापुरखों पासों आप वचन सरवण करने ने महापुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारिया संगत ने जो आया नू आओ आनंद साहब सारिया संगत रसना पवित्र करिए अरदास बेनती होगी हुक्मनामे होणगे हुक्मनामा साहब सुन तो बाद फिर सतगुरां दे कड़ा प्रसादी देख वरते कि गुरु साहब पहला जाणगे फिर आप मगर मगर चाले पौणे। रामकली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया गुरता पाया सहज सेती मन में दिया बधाइयां राज रतन परवार सब दोता का वो हरी केरा मन जिनी बसाया मारिया कर्म पाया तुम जन को से नाम
वाहे गुरु जी का।